हेलो बच्चों, कैसे हो आप? अच्छे हो ना? वेरी गुड बच्चों, आप अपना ध्यान रख रहे हो? मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करना है, 20 सेकेंड हैंड वॉश भी करना है और साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना है। तो बच्चों, अभी तक हमने अल्फ़ाबेट सीखे ना, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स। तो आज आपको मैं उनकी मैचिंग बताऊँगी, जैसे कि कैपिटल में लिखे जाने वाले लेटर को स्मॉल लेटर से किस तरीके से लिखा जाता है उसके साथ हम मैचिंग सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। मैच, यहाँ पर देखो मैंने कैपिटल लेटर में ए से स्टार्ट किया हुआ है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। इसी तरीके से यहाँ पर हमने स्मॉल में ए बी सी डी लिखे हुए हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। अब इनमें हमें देखना है कि एक जैसे लेटर कैपिटल में और स्मॉल में जो एक जैसे हैं उनको मैच करना है। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, ए के साथ ए को मैच किया गया है। तो अब नेक्स्ट लेटर है हमारा बी। बी कौन सा लेटर है? बी तो स्मॉल में लिखे जाने वाला बी यहाँ पर है, तो हम इसको इसके साथ मैच करेंगे इस तरीके से। और बी के बाद आने वाला लेटर है सी। सी को हम स्मॉल सी के साथ मैच करेंगे। डी, डी को हम स्मॉल डी के साथ इस तरीके से मैच करेंगे। उसके बाद आता है ई। ई को हम स्मॉल ई के साथ मैच करेंगे। उसके बाद ई के बाद आता है एफ। एफ को हम एफ के साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट है जी। जी को हम जी के साथ मैच करेंगे इस तरीके से। फिर नेक्स्ट लेटर है एच। एच को हम एच के साथ इस तरीके से मैच करेंगे। आई, आई को हम आई के साथ इस तरीके से मैच करेंगे। जे, स्मॉल में जे कहाँ है? यहाँ पर है, तो हम इसको इसके साथ ऐसे मैच करेंगे। नेक्स्ट लेटर है के। के को हम के साथ मैच कर दिया। लास्ट हमारा लेटर है एल। तो एल को हमने एल के साथ ऐसे मैच कर दिया। तो आप देखो, कैपिटल और स्मॉल लेटर, कैपिटल में लेटर कैसे लिखे जाते हैं और स्मॉल में कैसे लिखे जाते हैं, हमने उनकी मैचिंग करके उनको अच्छे से समझा कि ए से लेकर के एल तक हमने समझा कि सेम लेटर जो कैपिटल में कैसे हैं और स्मॉल में कैसे हैं, उनको हमने मैचिंग के द्वारा अच्छे से समझा। तो आशा करती हूँ बच्चों, आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि स्मॉल और कैपिटल में लिखे जाने वाले लेटर किस तरीके से हम उनको मिला करके पढ़ करके अच्छे से समझ सकते हैं और उसको अच्छे से समझ करके हम अच्छे से समझ के उनको ढंग से हम अपने दिमाग में रख सकते हैं और उनको अच्छे से पहचान उनकी कर सकते हैं और उनको पिक्चर्स के थ्रू या और भी चीज़ों के थ्रू हम उनको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा ना समझने में? थैंक यू।